में डीसीएम बनी आग का गोला। लखनऊ से फिरोजाबाद की ओर जा रही डीसीएम में थाना शिकोहाबाद स्थित बालाजी मंदिर के पास NH2 पर अचानक शॉर्ट सर्किट से इंजन में आग लग गई। इससे पहले कि ड्राइवर और क्लीनर कुछ समझ पाते, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ड्राइवर और क्लीनर आगे गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते डीसीएम दोनों का जलने लगे। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक डीसीएम का आगे का हिस्सा जलकर पूरी तरह राख हो गया। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जन हानि नहीं हुई। बाद में पुलिस ने ट्रेन बुलाकर डीसीएम को सड़क से हटवाया, तब जाकर यातायात सुचारू रूप से चालू कराया जा सका। अनिल शर्मा फिरोजाबाद समाचार 24। एक डीसीएम लखनऊ से बिस्किट भरकर फिरोजाबाद जा रही थी। बालाजी मंदिर के सामने शोर सर्किट से उसमें आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड आ गई है और स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है। ड्राइवर और कंडक्टर सुरक्षित। राहुल है। राहुल, क्या हुआ है? मैं गाड़ी लेके आ रहा था, गाड़ी में अचानक से आग लगी। नीचे से इंजन से मैंने गाड़ी रोकी, जब तक गाड़ी जल गई। क्या माल लेके जा रहे थे? बिस्किट रोड है इसका, बिस्किट। तो कैसे आग लगी है? गाड़ी चलते चलते अचानक से आग नीचे इंजन से लगी है। अरे तो कोई कनेक्टर वगैरह सब कनेक्टर वगैरह कोई आदमी नहीं, मैं ही साथ ही था।